सर, परवानों में बीते दिनों हो रही चोरियां कुछ महीनों से, उनमें कुछ आपको लीड मिली है और आपने कुछ जो अक्यूज़ हैं उनको गिरफ्तार किया है। थोड़ी जानकारी देंगे कि क्या इनका पैटर्न था चोरी करने का और कितने लोगों को आपने अक्यूज़ों को गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से परवानों क्षेत्र में हमारे को बाइक चोरियाँ रिपोर्ट हो रही थी। उसी कड़ी में हमारे को अभी मार्च एंड में बाइक चोरी की कंप्लेंट्स आई, तो हमने युद्ध स्तर पर एक इसको केस को क्रैक करने के लिए हमने एक संयुक्त रूप से जो हमारे परवानु थाना के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, युद्ध स्तर पर उन्होंने कार्य किया और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से उन्होंने एक व्यक्ति को जो कालका का रहने वाला है उसको राउंड अप किया। उसकी इंटेरोगेशन पे उसने हमें जो है एक अपनी मतलब पूरी गैंग का खुलासा किया और उसने हमारे को बताया कि इन्होंने किस तरह से जो है पिछले 5 से 6 महीने में हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब आदि एरिया से बाइक्स लिफ्ट की हैं। हमने इसी इंटेरोगेशन पे इसके साथी जो करीबन 8 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया और उनकी इंटेरोगेशन से हमने करीबन 15 जो मोटरसाइकिल्स हैं वो रिकवर की हैं। इन 15 मोटरसाइकिल्स में 8 रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं, 5 पल्सर हैं और 2 हीरो होंडा स्प्लेंडर की बाइक्स हैं। ये जो 8 लोग हमने जो राउंड अप किए हैं, इनमें से भी 4 लोग जो हैं वो अभी तक हमें आशंका है कि वो जुवेनाइल हैं, उनका जो है अभी कोई भी बर्थ रिकॉर्ड नहीं है और उस करके हम उनका जो है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट करा रहे हैं। इंटेरोगेशन पर जो है हमने पाया कि ये लोग जो है पिछले 5 से 6 महीने से चोरियाँ कर रहे हैं। ये अधिकतर जो है रात को ये लोग निकलते थे घर से नाइट आउट के बहाने और राह चलते जहाँ भी इनका मन करता था ये ज़्यादातर ये जो है रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट है वो उठाते थे, उसका लॉक तोड़ते थे और किसी भी तरह से उसको डायरेक्ट करके बिना चाबी के स्टार्ट करते थे। और शुरू में इन लोगों ने सिर्फ बाइक उठाई और जहाँ उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ वहाँ पर छोड़ देते थे, उसके बाद इन्होंने उसको आगे बेचना भी शुरू किया है। हमने इसी उसमें जिन लोगों ने ये बाइक खरीदी है उनको भी इसमें एक्यूज एसोसिएट किया है। और इस पूरे जो ऑपरेशन मैं कहूँगा इसमें जो हमें एक जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमें जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने शहर को सीसीटीवी फुटेजेस के से कवर करना चाहिए। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आपको जो भी रोड फेसिंग जो भी घर या दुकानें हैं उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में सीसीटीवी फुटेजेस लगाने चाहिए, क्योंकि मुख्यतः ये केस जो है हमने सीसीटीवी फुटेज की क्लिप्स की मदद से सॉल्व किया है। दैट्स इट।